दसा हास्य दसा पाओ सेहत भरा पोषण। गर्भावस्था के दौरान महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए सामान्य से अधिक और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। पौष्टिक भोजन अर्थात ऐसा भोजन जिसमें सारे जरूरी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में हो। माँ के लिए सुरक्षित गर्भावस्था और आसान प्रसव संतुलित और पोषण युक्त भोजन से ही संभव हो पाता है। गर्भावस्था के समय पोषक तत्वों की कमी से बच्चे के विकास पर बुरा असर हो सकता है। ऐसे समय में क्या खाएं और क्या नहीं? दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, इसलिए दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे छाछ, दही, पनीर खाना लाभदायक है। दाल अतिरिक्त पोषक के लिए आवश्यक है, इसलिए अपने भोजन में सभी दालें छोले, सेम की फली, सोयाबीन, मटर, मूंगफली आदि शामिल करें। हरी सब्जियां पाचन में मदद करती हैं, इसलिए खाने में पालक, मेथी, लौकी, तुरई आदि शामिल करें। गर्भावस्था में सूखे मेवे जैसे काजू, किशमिश, बादाम, सूखे बेर और खजूर तथा ताजे फल जैसे केला और अनार फायदेमंद होते हैं। शरीर में नमी की मात्रा सही रहे, इसलिए प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड ना खाएं। कच्चा पपीता ना खाएं। गर्भवती महिला के लिए खाने में थोड़ा सा बदलाव करके उसे पौष्टिक बना सकते हैं। जैसे नाश्ते और खाने के बीच में आप गुड़ के साथ चने खाएं। ये पौष्टिक मील आपको प्राकृतिक शुगर, प्रोटीन और आयरन देगा। खाने में फल और अंकुरित अनाज का सलाद बनाकर खाएं, जिससे आपको प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होंगे। दोपहर के भोजन में मिक्स वेज रायता खाया जा सकता है। ये हल्का भी होता है और इससे खाने में प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। बेसन में स्वाद के अनुसार नमक मिर्च डालें, फिर इसमें पनीर को मसल के मिलाएं, पानी से घोल बनाएं और तवे पर तेल डालकर उस पर घोल फैलाएं और दोनों तरफ पकाकर उपयोग करें। चीले में पनीर मिलाने से कैल्शियम और प्रोटीन बढ़ जाएगा। दही वाले चावल गर्भवती महिला के लिए संतुलित और सही पोषण के लिए उत्तम आहार है। पके हुए चावल में अच्छे से मथ के दही और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। तेल गरम करके राई और कढ़ी पत्ते से छौंक लगाकर चावल और दही में मिलाकर खाएं। कढ़ी पत्ते मिलाने से विटामिन ए और कैल्शियम बढ़ जाएगा। सूजी बेसन के लड्डू बनाने के लिए सूजी, गेहूं का आटा और बेसन को भूनें। इसमें पिसा गुड़ और घी और भुनी तिल मिलाकर लड्डू बनाएं। सूजी बेसन लड्डू में तिल मिलाने से कैल्शियम और प्रोटीन बढ़ जाएगा। खाना खाने से पहले अपने हाथ साबुन से धोएं। सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय सावधानी रखें। विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ ज्यादा खाएं। भारी सामान न उठाएं। तनाव न पालें, प्रसन्न रहें। ज्यादा गर्म चीजों का उपयोग न करें। थोड़ा सा परिवर्तन
सेहत भरा पोषण।